मसूरी के प्रसिद्ध माल रोड पर 7 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया। मसूरी के प्रसिद्ध मॉल रोड पर सुधारीकरण कार्य में लगातार कोताही बरती जा रही है, जिसको लेकर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने ग्रीन चौक रोड पर जाम कर प्रदर्शन किया और निर्माण विभाग और पेयजल निगम के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी की अधिकांश सड़कें खस्ताहाल हैं। मुख्य सचिव की बैठक में लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग ने आश्वासन दिया था कि सभी काम पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले यानी 20 अप्रैल तक कर दिए जाएंगे, लेकिन मॉल रोड के ज़्यादातर काम अधूरे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने किताब घर, बाजार समेत अन्य जगहों से मलबे के ढेर को साफ करने की मांग भी की। 29 जनवरी को जो कार्य शुरू हुआ था, आज 15 मई होने के बावजूद वो कार्य पूरा नहीं हुआ। हमें पहले 31 मार्च की तिथि दी गई, फिर 20 अप्रैल की तिथि दी गई, फिर 30 अप्रैल की तिथि दी गई और आज 15 मई हो गई और आज तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। अम्बेडकर चौक हो या इंद्रमणि बडोनी चौक हो या ग्रीन चौक हो, पिक्चर पैलेस चौक हो, सभी बदहाल है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियां धस रही हैं, पर्यटक का शोषण हो रहा है, पर्यटकों के जो पैसे खर्च कर बर्बाद हो रहे हैं, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार को और जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को, अन्य विभागों को किसी की कान में जू नहीं रेंग रही है, कोई परवाह नहीं कर रहा है। कार्य जो है वो कछुआ गति पे चल रहा है, कार्य दिन रात चलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज इसी विरोध में हमने एक बार फिर धरना दे दिया है। अब सीजन हमारे सर पे है और सारे दुकानदार हैं, सब परेशान इस बात से हैं कि ये रोज की जो लाइनें खुद रही हैं, जैसी भी चल रहा है, इसको भी रोक दिया जाए और 15 अगस्त के बाद पुनः जो काम बैलेंस बचे हुए इन कामों को कर दिया जाए, जिससे कि आम गरीब आदमी को उसकी रोजी रोटी मिल सके, हर आदमी दुकानदार को उसका काम मिल सके और दिहाड़ी मजदूर वाले को, रिक्शे घोड़े वाले को, सबको उसका काम मिल सके, होटलियरों को होटलियर मिल सके। सरकार से निवेदन है कि इसको 15 अगस्त तक के लिए काम को रोक दिया जाए और जो बैलेंस काम है उसके बाद शुरू कर दिया जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।